आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से। और रिदू के पापा ऑफिस चले गए हैं, रिदू और मैं यहीं पे बैठे थे, मैं चाय पी रही थी और यहाँ पर बगल में बैठ के टीवी देख रहा था। नाश्ता तो हम थोड़ा लेट ही करते हैं, तो अभी तो मन है नहीं, इसे भी पूछा था मैंने पर वो भी नहीं करता है, वो भी मेरे साथ ही करता है। तो अभी थोड़ा मौसम धूप कम है, तो मुझे थोड़ा यहाँ थोड़ी ही दूर पर हमारे मतलब मेरे ससुराल साइड की चाची जी रहती हैं, उनके घर जाना था कुछ काम से। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सुबह धूप कम है, मौसम ठीक है, इतनी मतलब गर्मी नहीं है, तो मैं अभी जो मुझे काम निपटाना है वो निपटा के आ जाती हूँ, और रिदू को भी मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। तो फटाफट से थोड़ा चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं और रिदू निकलेंगे चाची जी के घर पे के लिए, और फिर फटाफट से काम निपटा के फटाफट से घर आ जाएंगे। ओके हाँ मम्मी, नाना घर नहीं जाना है, कहीं और जाना है, ये सोच रहा हम नाना के घर जा रहे हैं। तो मैं और रिदू हो गए हैं जाने के लिए तैयार, और कहीं भी जाना हो स्कूटी से तो रिदू तैयार होने में बिल्कुल भी मना नहीं करता है। किससे जाना है? बाइक। बाइक कहाँ है बाइक? ये स्कूटी से जाना है। घर में रहेंगे तो अगर कपड़े चेंज करने को बोलेंगे तब तो ये इधर उधर भागता रहेगा, अभी मैंने कहा चल घूम ही जाना है स्कूटी में, फटाफट से आया फटाफट से कपड़े चेंज कर दिए। तो चलो अभी चलते हैं और फटाफट से काम निपटा के आ जाते हैं। मम्मी, अभी मैं और रिदू आ गए हैं चाची जी के घर पे, और ये रिदू यहाँ भी देखो जैसे घर पे करता है वैसे यहाँ भी कर रहा। किसको किसको दे रहा? बुआ। कौन बुआ? किसको दे रहा? बुआ कहाँ है? दादी है वो। दादी? अच्छा दाता। अ तूने दीदी को नहीं दिया? बस हो गया। अब किसको दे रहा? ले लो। तूने तूने चाची को प्रणाम किया? अब बच्चे आपको भी देगा। नहीं नहीं कर दो, चलो चलते हैं। अब प्रणाम करो दादी को, प्रणाम कर। अच्छा रुक, पहले दादी को प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो, दीदी को भी प्रणाम करो। बाय कर, चप्पल बाय कर दो। मैं और रिदू भी पहुंच गए हैं अभी घर पे, और ये रिदू वहाँ भी उनके यहाँ बच्चे थे तो उनके साथ ऐसा खेल रहा था, इधर उधर भागने पे लग रखा था, सबके साथ प्रैंक हो जाता है। तो अभी हम लोग आ गए चाची जी के घर से वापस। तो मैं चाची के घर पे इसलिए गई थी क्योंकि इससे पहले महीने तक हमारा दूध चाची के घर से ही आता था, पर अब उनकी गाय भी आने गए तो इसलिए अब उनसे दूध लेते नहीं है, तो अब तो हमारा दूध घर पर ही आ जाता है। तो मुझे उनके दूध के बचे हुए पैसे देने थे, तो मैं इसलिए आज उनके घर पे दूध के पैसे देने गई थी, और मुझे टाइम लग भी नहीं पा रहा था इस बीच में क्योंकि हम कभी गांव जाते हैं, कभी कुछ काम पड़ा, कभी कुछ काम पड़ा, तो मैंने कहा चलो आज मैं जिस तरह से मैंने टाइम निकाल के अभी चले गई और दे के आ गई। और अब हम लोग करेंगे नाश्ता, इसको भी कराऊंगी, मैं भी कराऊँगी क्योंकि टाइम तो हो ही गया, 9:30 तो हो ही गया। और अभी तो मैंने स्कूटी भी अपनी बाहर ही रखी है क्योंकि मैं अभी बरामदा बाहर धुलूँगी, तो मैंने कहा उसी के बाद अंदर स्कूटी लेके आऊंगी। और ये देखो इधर उधर घूम, नाश्ता लगाओ चलो। है क्या स्कूटी बाहर रखी हुई है ना अभी? हाँ तो चलो एक बार नाश्ता कर लेते, उसके बाद साफ सफाई करूंगी मैं। तो अभी मैंने रिदू के लिए नाश्ता लगा दिया, ये यहाँ पे खा रहा है दाल के साथ रोटी, और एक बार ये खा लेगा तब मैं खाऊंगी। और ये इसने मुझे बोला मेरे को टीवी देखते देखते खाना है, टीवी लगा तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के खा भी लेगा टीवी भी देखते। ये क्या? ये क्या? तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसको ये खा लेगा उसके बाद मैं खाती हूँ। रिदू कैसा हो रहा है खाना? अच्छा, अच्छा? किसने बनाया हुआ है? मम्मी। मम्मी ने? रिदू ने बनाया? कब बनाया? कब बनाया? टूटे पापा। पापा के लिए भी बनाया? क्या बनाया है? गंदा कहेगा।
अभी हम लोगों का सुबह का नाश्ता हो गया है और रितु भी पीछे सो गया है, तो जब तक ये सोया हुआ है तब तक मैं घर के काम निपटा देती हूँ। और बाहर मौसम भी थोड़ा बादल बूदल लगे हुए हैं, आजकल तो रोज़ ही मौसम ऐसा हो रहा है, दो चार दिन से बारिश तो हो नहीं रही। गाँव में तो बारिश हो रही है पर यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश का नाम नहीं, ऊपर से उमस अलग से हो रही है। तो बाहर मौसम बादल पूरा लगा हुआ है और धूप आ रही जा रही है, तो देखती हूँ एक बार अंदर का काम करती हूँ, उसके बाद बाहर बरामदे की सफाई भी करती हूँ, पर पहले एक बार किचन साफ कर लूँगी। तो मैं अभी घर की साफ़ सफाई कर ही रही थी और मेरा गेस्ट रूम को बच रखा है, बाकी तो मैंने कमरों का कर दिया है। तब तक रिधु उड़ी सो के और उसको मैंने अभी टीवी लगा के दे दिया है, तो देखती हूँ पहले एक बार गेस्ट रूम का कर देती हूँ, उसके बाद रिधु और मैं देखती हूँ फ्रूट्स में, अगर वो फ्रूट्स खाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको खीरा काट के दे दूँ और अपने आप को भी खा दूँ। तो एक बार मैंने गेस्ट रूम की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद खीरा काटूँगी। अभी मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और मैंने यहाँ पे अपने लिए और रितु के लिए खीरा भी काट दिया है, तो एक बार ये खा लेते हैं, उसके बाद दिन के लिए खाना भी बना दूँगी मैं अपने लिए। रितु वाह, लेकिन हमने जलेबी पहले ही खा ली। अभी मेरा दिन का खाना तो बन गया है और मैंने रिधु के लिए भी वहाँ पर टेबल पे लगा दिया है, पर रिधु रोज़ की जैसे इसको खाना तो खाना नहीं है, इधर उधर उल्टे उल्टे काम कर रहा है। वो देखो वहाँ ड्रम में चढ़ के वो वहाँ पता नहीं क्या चम्मच निकालने की कोशिश कर रहा, तो मैं इसको एक बार बैठा के खाना खिलाती हूँ, अपने आप को भी खाती हूँ, उसके बाद देखूँगी इसके साथ लेटूँगी, उसको सुलाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो ये तो ना कुछ काम करेगा ना खाएगा ना कुछ करेगा, उल्टा और काम बिगाड़ता रहेगा, है ना। चलो खाना खाने चलो चलो। अभी हो रहे हैं शाम के 6 और मेरे रिधु और मैं दिन में खाना खाने के बाद सो गए थे और ये तो अभी भी आधी नींद में, अभी थोड़ी देर पहले उठा है ये, तो मैंने चाय भी बना दी थी पर ये आते रोते रोते आ गए मेरे पास गोद में, तो मैंने सब गोद में रख दी। तो अब मैं चाय लगा दूँगी और मैं और रितु पियेंगे चाय, ठीक है ठीक है। चाय अभी नींद में है इसलिए गुस्से में देख रहा है, तो चलो मैं चाय लगा लेती हूँ, दोनों के लिए चाय रख लूँगी, चाय पी लेंगे और साथ में इसके लिए कुछ चीजी भी दूंगी, ठीक है ठीक है। लिंदू गुस्से में देख रहा, हाँ जुबीरा बांदर बांदर है ना तू मेरा, तो चलो चाय पीते हैं हम और एक बार चाय के साथ इसको भी पिलाऊंगी, खुद भी पीऊंगी, उसको कुछ चाय में खाने को देती हूँ, उसके बाद रात के लिए सब्जी भी काटूंगी। ओके चल लस्सी पत्ती खाओगे तुम? अभी मैंने तो चाय पी ली है, रिधु पी रहा है पीछे, और मैं सुबह जैसे कि मैं गई थी चाचा और के घर पे, तो मैंने सुबह कहा था कि मैं सफाई करूँगी, तो मैंने स्कूटी बाहर ही लगा रखी थी, अंदर लेके नहीं आई, मेरे दिमाग से निकल गया, तो चलो पहले एक बार स्कूटी अंदर कर देती हूँ, उसके बाद रात के लिए खाने के लिए सब्जी काटूँगी, और तब तक मेरा रिधु यहाँ पर बैठा है वो खा रहा है, तो मैं स्कूटी तो अभी मैंने स्कूटी भी अंदर कर ली है और अब करूँगी मैं रात की सब्जी की तैयारी। और हमारे रिधु यहाँ पे अभी चाय पी रहा है, तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।